गांधी के केरल के वायनाड में किए रोड शो से कांग्रेस के झंडे गायब रहने पर विवाद हो गया। केरल में कांग्रेस की विरोधी और सत्ताधारी लेफ्ट पार्टी ने यह मुद्दा उठाया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और राहुल के वायनाड में हुए रोड शो में कांग्रेस के झंडे नजर नहीं आने पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने राहुल के रोड शो में अपने ही झंडे लहराने से क्यों परहेज किया। वो यहीं नहीं रुके और कहा कि कांग्रेस में पार्टी के झंडों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं है। यानी केरल के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर ताल ठोक कर हमला किया, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुए विवाद की वजह से कांग्रेस ने फूंक फूंक कर कदम उठाए और राहुल के रोड शो में न कांग्रेस के झंडे नजर आए थे और न ही IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। इस रोड शो में कांग्रेस और IUML के कार्यकर्ता तिरंगे, गुब्बारे और टोपियां लगाए तो दिखे, लेकिन कांग्रेस और IUML के झंडे नहीं दिखे। और राहुल गांधी के खिलाफ केरल के इसी वायनाड से नामांकन करने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई। वहां से बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। इस सीट से राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही नामांकन का पर्चा भरा और अगले दिन बीजेपी के प्रत्याशी और केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने नामांकन से पहले एक बड़ी रैली की। इस रैली में स्मृति ईरानी भी उनके साथ नजर आई। खुले ट्रक में खड़े के सुरेंद्रन और स्मृति ईरानी को देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। इस रोड शो के लिए केरल के वायनाड में बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक पहुंचे। उनके हाथों में बीजेपी के झंडे नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वायनाड पहुंची स्मृति ईरानी की ही रही, क्योंकि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी से राहुल गांधी को मात दी। हालांकि 2019 में उन्होंने यूपी की अमेठी लोकसभा सीट के साथ ही केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था और वो यहां से जीत गए थे। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने वायनाड से नामांकन किया, स्मृति ईरानी उनके इस नए गढ़ में भी उन्हें टक्कर देने पहुंच गई। हालांकि वो यहां राहुल गांधी से मुकाबला नहीं करेंगी, लेकिन वहां स्मृति ईरानी को भेजकर बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि वो राहुल गांधी को अमेठी की हार भूलने नहीं देगी। इस बीच यूपी की अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पर बने सस्पेंस में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब रॉबर्ट वाड्रा ने वहां से चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए। रॉबर्ट वाड्रा ने मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया और इशारों इशारों में इस सीट पर दावेदारी ठोक दी और साफ कहा कि अमेठी के लोग उन्हें सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं। ना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूं और सांसद बनने की सोचता हूं तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूं। अमेठी सीट से कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर राहुल गांधी को शिकस्त दे दी थी। इसलिए यह अब तक साफ नहीं है कि राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का दावा है कि 1999 में जब अमेठी से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, तभी से वो वहां सक्रिय रहे। गांधी परिवार के लिए प्रचार करने हर चुनाव में प्रियंका वाड्रा के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी पहुंचते रहे हैं।